जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किस चीज़ का फॉर्म है आपका? WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस का। यह जो फॉर्म आपको नोटिफिकेशन का मैं वीडियो बना दिया हूँ, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका यह नेशनल कोबरा कैडेट्स। यहाँ पे 12 तारीख को भेजा हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए, अब इस वीडियो में इन सब चीज़ के बारे में नहीं बात करना था, इस वीडियो में बात करना है आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसमें आपको पता है कि नोटिफिकेशन में कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो आपको क्या लिखना है, joinindianarmy.nic.in। तो इंटर करना है, इंटर जैसे ही करेंगे आप तो आपका इस पेज पे आ जाएंगे। वैसे आप इस पेज पे नहीं आएंगे, आपका ऐसे होगा कैप्चा कोड लिखना पड़ेगा, ज्वाइन इंडियन आर्मी वाले पे आएंगे तो ऐसे आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यह कैप्चा कोड को इंटर करके अंदर जाना होता है। तो अभी हमारा तो उसी तरीके से फ़िलहाल खुल जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पेज पे आप आ जाएंगे। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। जैसे ये मोबाइल में आपका पूरा फुल नहीं खुलता है, ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही अच्छा से, डेस्कटॉप पर ही अच्छा से दिखता है, आपका विजिबल होता है, क्योंकि ये कंपैटिबल ही है इसी के लिए। अब आते हैं चलिए कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो अग्निपथ पे आइएगा, ऊपर सबसे टॉप पे आपको इस तरीके का मिलेगा, होम अबाउट लाइफ ऑफिसर COR। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आप लॉगिन अप्लाई पे कर सकते हैं अगर आपका पहले से। तो यूजर रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको ऐसा इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, कंटिन्यू पे कर दीजिए। आप जल्दी से भर लीजिएगा, नहीं तो इसका साइट आपका स्लो हो जाएगा जब लास्ट में सर्वर आपका बिजी होगा। आपको आधार उस स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है, या तो UIDAI पे करके इसको लिख देना है। वैसे आधार कार्ड नंबर पे, आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आपका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद पिता का नाम, मदर का नाम, ईमेल का नाम, जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर लिखोगे, ये आपका आधार कार्ड नंबर से नाम को आपका सही लिखे हैं गलत लिखे हैं उसको मैच कर लेगा। अगर आप गलत लिखे रहेंगे तो बताएगा कि आप गलत लिख रहे हो, उसी पर प्रोसीड करना चाहते हो तो प्रोसीड करो, और नहीं तो फिर आप पीछे आके एडिट करना है जो एडिट कर सकते हो। आई ईयर बाई पे करके फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको मेल जाएगा, मेल पे जाएगा पासवर्ड, फिर पासवर्ड पे जाने के बाद लॉगिन इन अप्लाई पे करेंगे। जब यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपको क्या करना है कि अपना मेल आईडी को लिख देना है। मेल आईडी लिखने के बाद पासवर्ड, पासवर्ड को लिखने के बाद आप कैप्चा कोड को लिख दीजिए। कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको क्या करना है कि सबमिट, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका ये देखिए ऑथेंटिकेशन फेल्ड का प्रॉब्लम आ गया, यानी कि कुछ तो गलत है। ये जो आपका ऑथेंटिकेशन फेल्ड का प्रॉब्लम लिख रहा है, ये जो है कि इनके सर्वर में एरर है इसलिए हो रहा है। तो आप थोड़े से रुकने के बाद फिर से आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे करिएगा, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, फॉरगेट पे कर दीजिए। फॉरगेट पासवर्ड पे करके फिर से आप अपना यहाँ से ईमेल आईडी लिख के, डेट ऑफ बर्थ लिख के यहाँ पे सबमिट करिए, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, तो आपके मेल पे आ जाएगा। मेल से आप आके फिर से लॉगिन कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं किया, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इसको करने के बाद मैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जीमेल पे क्लिक किया, करने के बाद यहाँ पे देखिए ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आ गया। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आने के बाद मेल आईडी दे देगा, आपका स्टेट दे देगा और यह पासवर्ड दे देगा। तो मैं इस पासवर्ड को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेल आईडी को लिखता हूँ। मेल आईडी को लिखने के बाद यहाँ पे पासवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ, वही वाला पासवर्ड। कैप्चा कोड को लिखने के बाद आपका लॉगिन पे क्लिक किया, देखिए जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। आपको मैं लाइव करके दिखा दिया हूँ, इसका हो सकता है आपको मैं एक शॉर्ट क्लिप बना के दे दूँ कि अगर ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम आपको होता है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के जान सकते हैं। और माई प्रोफाइल पर आकर के आप अपना अपडेट जो भी करना है, आप यहाँ पर माई प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पे आके नीचे आके यहाँ पे अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आ जाएगा, एडिट करके आप अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड पे करके आप जो पासवर्ड लिखे थे उस पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और री इंटर न्यू पासवर्ड पे करके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे आ करके देखिए, यहाँ पे एडमिट कार्ड पे एडमिट कार्ड आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं प्रीवियस रैली का जो भी आया है आपका एडमिट कार्ड। चलिए आप फिर अप्लाई ऑनलाइन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको यह ओपन होकर के आ जाएगा, यह वाला पेज आपका स्टेट क्या क्या है
आरो हाइट वाइट दे देगा और ये सब बाई डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको एडिट इन सबको करना है, कुछ गलती है तो माय प्रोफाइल पे जाके अपडेट पे करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे देखिए, अग्निवीर रेगुलर पे आपका ही अग्निवीर पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है। अगर आप में ये नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब आपका हाइट वेट चेस्ट कुछ तो ऐसा है कि यानी हाइट इसमें मांग रहा है। हाइट अगर आपका कम है या यहाँ पे आपका हाइट मान लीजिए 161 सेंटीमीटर में लिख दे रहा हूँ, अगर 161 सेंटीमीटर में लिख दूंगा तो आपका यहाँ पे ये नहीं शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब अप्लाई पे करता हूँ, अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे करता हूँ, कंटिन्यू पे करने के बाद आपका यहाँ पे आ गया। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना चूज फाइल करना है, कितना आपका साइज होना चाहिए, 5 से 20 KB के बीच में। आप अपना ध्यान से देख लीजिएगा, 5 KB से 20 KB के बीच में। तो आप अपना पहले से यह सब डॉक्यूमेंट्स बना के रखे रहिएगा, JPG फॉर्मेट का जो भी फ़ोटो सिग्नेचर है, फ़ोटो सिग्नेचर को सही से बना के उतने साइज के बीच में रख लीजिएगा। ये जो है आपका 5 से 10-20 KB के बीच का जो है आपका यहाँ क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपका जैसे यूपी बिहार झारखंड दिल्ली ये लोग किस रीजन से आते हैं, ये लोग सेंट्रल जोन से आते हैं, सेंट्रल जोन से आते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग लिखेगा। ये देखिए हार्न एकदम, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है मैसेज, यू हैव एन ओपन एप्लीकेशन, काइंडली सबमिट इट बिफोर द लास्ट डेट, रोल नंबर विल बी जनरेटेड फॉर एन ओपन एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखने के बाद आपको मैं एड्रेस लिख के, अगर यही सेम एड्रेस है तो आपका यहाँ पे सेम है, इस पर कर देंगे सेम। फिर लिखने के बाद आपको लास्ट में सेव कंटिन्यू करना है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। पर्सनल इंस्ट्रक्शन हो गया, पर्सनल हो गया कम्युनिकेशन, फिर नेक्स्ट स्टेप पे इसको मैं फिल करके आगे मिलता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका लोडिंग आ गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कैटेगरी आपका क्या है, आपका ये जो तो था तो आप सामान्य से हैं, तो सामान्य से अगर आप लगाए होते तो यहाँ पे यहाँ यूएस की यूनिट हेडक्वार्टर आया था, स्पोर्ट्स है तो यस कर दीजिए। यस करते ही आपका क्या आ जाएगा कि यहाँ पे किस खेल से हैं, किस खेल से हैं, किस लेवल पे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल से हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे कर दीजिए, नेशनल हैं तो नेशनल कर दीजिए, स्टेट हैं स्टेट, यूनिवर्सिटी हैं यूनिवर्सिटी, नहीं है तो नो पे कर दीजिए। नो पे करने के बाद आपका NCC पूछेगा, ए यस पे करेंगे तो ABC जो भी है वो मांगेगा, ए है तो ए पे करिए, बी है बी पे करिए, सी है सी पे करिए, नहीं है तो नो पे कर दीजिए। एंड आई मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है 12th है, जो भी आपको आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे आपका DL है कि नहीं है, लाइट मोटर व्हीकल का है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप आपका क्या आता है, एजुकेशनल डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्वालिफाइंग कोर्स कौन सा क्वालिफाइंग किए हैं, उसके बाद आपका होगा कि बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी, CBSE UPSC UPSC कह रहा हूँ जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद किस ईयर में आप वो उस कक्षा को पास किए हैं उस ईयर को ले लीजिए। उसके बाद आपका उसमें रोल नंबर क्या है, रोल नंबर को इंटर कर दीजिए। रोल नंबर लिखने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना, सर्टिफिकेट नंबर लिखने के बाद आप यहाँ से ऐड करके और भी आप ऐड कर सकते हैं मार्कशीट्स को, तो यहाँ ऐड कर दीजिए, यह वाला आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आपको कुछ एडिट करना है तो इसमें आप कुछ एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे और भी ऐड करना है मार्कशीट्स को तो ऐड कर सकते हैं, और ऐड ड्रो पे करके आप ऐड ड्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे आना है, आपको मार्क्स लिखना है, इंग्लिश में कितना लिखना है, यहाँ पे लिखना है मार्क्स ऑप्टेंड, कितना मार्क्स आपका ऑप्टेंड हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसमें कन्वर्जन के लिए क्या है कि 9.6 से आप मल्टीप्लाई करें, 10 आया है तो 10 से आप क्या करेंगे, 9.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। जैसे कि आपका कितना मार्क्स का था, 100 मार्क्स का, तो आपको मिला कितना है आउट ऑफ मार्क्स ऑप्टेंड, कितना है मार्क्स मिला है, 96 हो आपको 10 CGPA मिला है, 8 CGPA मिला है, जितना भी मिला है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.50 नंबर मिला है, 50 × 10 × 9.6 आउट ऑफ मार्क्स कितने में से, 100 में से, ठीक है। अब फिर इसके बाद ऐड न्यू रो पे कर दीजिए, ऐड न्यू रो पे करेंगे तो ये आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। देखिए 96% हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद आप हिंदी का ले लीजिए, हिंदी में आपका फिर से वही सेम आप लिखोगे,
सेम कितना होगा आपका, अगर आपका पूरा ओवरऑल 10 GPA है तो इसमें भी आप क्या कर दीजिए कि 10, इसमें भी आप लिख दीजिए 96.6 कितने में से, 100 में से। फिर उसके बाद आ जाइए ऐड रो पे, ऐड रो पे आने के बाद आपका फिर सक्सेसफुल हो गया। इसी तरीके से आपको पूरा मैथ्स में आ जाइए, मैथ्स में आपको क्या करना है 96 करने के बाद इसमें आ जाइए आप 100 आने के बाद ऐड न्यू रो। अब देखिए यहाँ पे 5 हो गया, 1 2 3 4 5 5 होने के बाद मैं इसी पे ओके कर दे रहा हूँ, कंटिन्यू पे कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे करूँगा आपका समरी ऑफ योर एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। आपके समरी के बारे में आपका नाम, पिता का नाम, मदर, फोटो आपका यहाँ पे टॉप पे है, पूरा आपका देखिए साइड में डिटेल, एड्रेस सब कुछ ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ से एक बार क्या कर लीजिए कि इसको आप चेक कर लीजिए सब कुछ सही है ना। यहाँ पे क्लास 10th का आप जो भी लिखे हैं अगर सही है तो आप ठीक करिए, नहीं तो कैंसिल एप्लीकेशन पे करके आप जाके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाके अब सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपको यह डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आपका सबमिटेड हो गया सक्सेसफुली, और आपको शायद मेल पे भी आ जाएगा कि आपका आ गया है। अभी मैं आपको मेल पे तो अभी फ़िलहाल नहीं आया। और आप जाके आप यहाँ से कहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे आप जाके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा आपने कब कब कहाँ कहाँ फॉर्म भरा है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको कुछ भी क्वेरी डाउट होगा तो आप बात उत कर लीजिएगा, चैनल को कर लीजिए जो भी करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।